हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो ये मेरे प्लेलिस्ट में भी है, इसकी थ्योरी है, तो आप जाके इसका थ्योरी मेरे प्लेलिस्ट रिलेटिव मोशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन होगा आपके थ्योरी के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक पर्सन है ग्राउंड पे जो कि 20 मीटर पर सेकंड से इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका हाथ में छाता है, छाता दिख नहीं रहा है, बना दो। ये छाता है इसके पास। अब कह रहा है कि छाते को वर्टिकल से, ये पार्ट कह रहा है एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विथ वर्टिकल टू प्रोटेक्ट मैन एट मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम ना भी बोले तभी भी हम वही समझते हैं, मैक्सिमम प्रोटेक्शन करना है। सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अम्ब्रेला या मूविंग पर्सन, ठीक है? तो मेरे हाथ में छाता है, मैं छाता लेके चल रहा हूँ। तो मैं छाता किधर लगाऊंगा? जिधर बारिश मुझे आती नजर आएगी। सिंपल से मुझे लग रहा है कि बारिश वर्टिकली आ रही है, अम्ब्रेला ऐसे लगाओ। मुझे लग रहा है कि बारिश ऐसे आ रही है, अम्ब्रेला आप ऐसे लगाओ। अब तुम्हें लग रहा है कि बारिश ऐसे आ रही है, तुम नहीं सर हम अम्ब्रेला ऐसे लगाएंगे, ये क्या मतलब? तो इतना भी मत किया करो, अगर बारिश ऐसे आ रही है तो आप अम्ब्रेला ऐसे लगाओगे इस तरीके से, ताकि ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करें छाते। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्म है कि मुझे क्या दिख रहा है? तो मुझे जो भी दिखेगा रिलेटिव दिखेगा, हम लोग रिलेटिव की बात करेंगे। तो इस पर्सन के फ्रेम में इस बारिश की वेलोसिटी देखेंगे, तो ये 20 तुम रिवर्स करके दो, ऐसे 20 रिवर्स करके दे दो। अच्छा, इस 20 और इस 10 का जो रिजल्टेंट वो ये होगा। इसका मतलब जो बारिश पहले वर्टिकली गिरती नजर आ रही थी, अब वो बारिश आपको ऐसे आती नजर आएगी, ऐसे ऐसे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इसके पैरेलल होगा। तो वर्टिकल तो होता ना, वर्टिकल ही होता, और आपको बता चुका हूँ कि बारिश वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो अम्ब्रेला वर्टिकल से बनाता है। इसका मतलब आपको ये थीटा निकालना है, एंगल विद वर्टिकल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 20 एंड दिस लेंथ इज 10, इट इज 20 अपॉन 10, देन व्हाट इज थीटा? इट इज 10 इनवर्स, एंड दिस इज आंसर। कोई पूछे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, तो यही तो वेलोसिटी रिलेटिव है, क्योंकि यही तो इसको दिख रहा है। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, देन व्हाट इज द आंसर? 10√5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस पर्सन को जो रेन होगा 10 इनवर्स टू एंगल पे वर्टिकल से आता नजर आएगा, और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 10√5 मीटर पर सेकंड होगी। गॉट इट? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बारिश है वो 20 मीटर पर सेकंड से गिर रही है और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रही है। बारिश ऐसे गिर रही है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो छाता लेके, स्पीड आपकी कॉन्स्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये बारिश 20 मीटर पर सेकंड ऐसे गिर रही है, एक्चुअली ऐसा गिर रही है, इस आदमी को ऐसा नहीं लग रहा। ये आदमी अगर रुका होता ऐसे देखता बारिश को, अच्छा बारिश, अब वो बारिश ऐसी गिर रही है 20 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या हम कब तक बैठे रहेंगे, चलो चलते हैं। तो चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से, देन पूछ रहा है कि एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद वर्टिकल एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब जब वो चलना शुरू करेगा तो उसको इस रेन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या नजर आएगी, और जो अम्ब्रेला ये लगाएगा वो अम्ब्रेला वर्टिकल से क्या एंगल बना रहा होगा। तो कन्फर्म, इसको जो दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको जो दिखेगा उधर अम्ब्रेला लगेगा, तो इसको क्या दिखेगा? रिलेटिव दिखेगा, रिलेटिव। तो फिर रिलेटिव निकालो, हर चीज़ रिलेटिव दिखती है। तो मुझे क्या दिख रहा है? मेरा रिलेटिव है। तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारा रिलेटिव है। तो इन से आपको क्या दिख रहा है? खुद का रिलेटिव, तो अपने रिलेटिव ये देखेंगे, तो लगाएं अपने रिलेटिव। तो देखो कंपोनेंट कर लीजिए 20 का, तो 20 का कम 20 cos 37, दिस इज 20 cos 37, एंगल के पास वाला cos कहलाता है, अगर 37 है तो 20 cos 37, एंड दिस इज 4/5 16, और ये आएगा 20 sin 37,
एंड साइन थीटा इज 3/5 इट इज 12। अब जो बारिश है बेसिकली उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 16 एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या 12। अब इसके फ्रेम से इसको देखना है बारिश को, तो ये 10 रिवर्स करके दे दो, इस 10 को रिवर्स करके दो, ले लिया। अब क्या करेंगे, 16 से 10 सेपरेट कर दो, ये कितना आएगा 6, ये 12 वैसे। इसका मतलब ये जो बारिश है वो इसके इसके रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाता नजर आएगा ऐसे, मतलब बारिश ऐसे जाता नजर आएगा। और ये वर्टिकल सिंगल ये आएगा, लेट दिस एंगल इज थीटा, देन व्हाट विल बी टेन थीटा, टेन थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो एंगल के सामने वाला ये लेंथ 6 है एंड डिवाइड बाई ये लेंथ क्या है 12, तो दिस इज 1/2, देन व्हाट विल बी थीटा, थीटा इज 10 इनवर्स 1/2 एंड दिस इज आंसर वर्टिकल सिंगल। अब कोई पूछे वेलोसिटी कितनी आएगी, तो दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग बट इन द रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। ये इस पार्ट का आंसर है, ये इस पार्ट का आंसर, बात कर लो, कुछ नहीं करना है यार, मेरे फ्रेम में क्या दिख रहा है बस ये यूज़ करना है। तो आपकी वेलोसिटी होगी वो भी उल्टा करके दो, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो उसे भी उल्टा करके दो, गॉट इट। चलिए एक तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि एक ट्रक के ऊपर है, ट्रक भी स्पीड से जा रहा है और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है 37 डिग्री है और जो रेन है तो 10.2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पे गिर रही है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रक सो दैट द रेन इज फॉलिंग पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस। पहला पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस एंड सेकेंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, ये दो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बारिश 10.2 से 45 डिग्री एंगल पे गिर रही है तो इस ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो ताकि इस रेन इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल आती नजर आए या इस इंक्लाइन सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक मारती नजर आए, ठीक है। सॉल्व करता हूँ, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लो, 10√2 का कंपोनेंट कॉस 45 ऐसे बनेगा 10, 10√2 कॉस 45 10 1/√2 एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा 10√2 साइन 45 दिस इज 10। और ये जो इसके फ्रेम से देखना होगा बारिश को तो वेलोसिटी भी ऐसे नजर आएगी, और ऐसा इसलिए मैं देख रहा हूँ कि इंक्लाइन इस वैन पे है तो जो वेलोसिटी वैन की होगी वही वेलोसिटी इंक्लाइन की होगी, इंक्लाइन के पारा जा रहा है, तो ये चीज़ कहाँ से समझ आएगी, इंक्लाइन के ही सरफेस से समझ में आएगी। इंक्लाइन के ऊपर तुम खड़े हो जाओ और देखो तुमको, हाँ यार इंक्लाइन का सरफेस हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि जो बारिश है इंक्लाइन के सरफेस के पैरेलल ऐसे ऐसे तुम्ही को दिखेगा, तुम खड़े हो तो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके इसमें ऐड कर लो। पूरे रेन में जब भी कहेगा ना कि इसके पैरेलल आ रही है तो जिसके कहेगा पैर उसी पर खड़े हो जाओ, अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब रिवर्स करके बारिश को दे दो, बारिश को। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, आपको रिजल्टेंट ऐसे चाहिए ना, ऐसे चाहिए ऐसे, केस वन में पहले क्वेश्चन में रिजल्टेंट ऐसे चाहिए ऐसे ऐसे चाहिए, इसका मतलब भी में से 10 घटाना है तभी तो बारिश ऐसे आएगी, अगर 10 से भी घटा दिए तो आप उधर जा रहे हो तब तो ऐसे जाएगी, नो आपको बारिश ऐसे गिरानी है ऐसे, तो ये भी से 10 घटाइए तो इसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, इधर लिखा ठीक देखें ये आएगा भी माइनस 10, ये कितना आएगा 10 और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा ऐसे आएगा, और ये जो लाइन होनी चाहिए दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, तभी तो कहोगे सर बारिश ऐसे आ रही है बारिश पैरेलल आ रही है, तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है 37 डिग्री, देखिए ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री बनेगा, तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल 37 दिस इज 37 डिग्री। अब इस ट्रेंगल में लिख सकता हूँ 10 37 डिग्री इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 10 अपॉन दिस लेंथ इज बी माइनस 10 एंड 10 37 इज 3/4। नाउ सिंपलीफाई दिस, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, इससे क्या आएगा 40, इधर क्या आएगा 3V-30, इससे भी क्या आ गई 70/3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब अगर ये वैन 70/3 मीटर पर सेकेंड से चलता तो फिर ये बारिश इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल गिरती नजर आती। बी पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में कह रहा है परपेंडिकुलर स्ट्राइक करवाना है,
मतलब इस इंक्लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब ऐसा स्ट्राइक करवाना है इसे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक कब करेगा ये? ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक तब करेगा जब रिजल्टेंट ऐसे होगा, रिजल्टेंट ऐसे जाना चाहिए ऐसे। ऐसे कब जाएगा? जब टेन में से बी का टाइम। तो आपको ऐसे दिखाना है टेन माइनस बी, और इधर क्या दिखाएंगे टेन, और रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे इस तरीके से ऐसे, दिस इज द रिजल्टेंट। और एंगल की बात करेंगे, अच्छा ये लाइन और ये लाइन आपस से पैरल होना चाहिए, पैरल होना चाहिए क्योंकि कैलकुलस नहीं आंसर कर रहा है, तभी तो नेगेटिव टकराएगा। तो इसको एंगल बढ़ा दीजिए, अगर ये परपेंडिकुलर है 37 डिग्री है तो एंगल क्या आएगा 53 डिग्री, क्योंकि 90 है। इसका मतलब जो बारिश है, बारिश वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाना चाहिए 53, तो बारिश को हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बनाना है। नाउ राइट इन दिस ट्रायंगल 10 53 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 10 एंड दिस लेंथ इज 10 माइनस बी। सो व्हाट इज 10 53? इट इज 4/3। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो इधर भेजेंगे तो बनेगा 40 माइनस 4b इक्वल्स टू 30। इसके इधर भेजिए ये आएगा 10, इट इज 10/4, 10/4 इट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आंसर। तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने के लिए वेलोसिटी ये चाहिए और पैरा स्ट्राइक करने के लिए वेलोसिटी ये चाहिए, गॉट इट? तब ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक पर्सन है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसके बाइक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। कह रहा फाइंड ए पार्ट एंगल मेड बाय अम्ब्रेला एट टी 2 सेकेंड। दूसरा कह रहा है कि व्हेन अम्ब्रेला मेड 53 डिग्री एंगल विद वर्टिकल फाइंड टाइम एंड स्पीड ऑफ बाइक। थर्ड कह रहा है एंगल मेड बाय अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्थ कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मेड बाय अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम। अपने क्वेश्चन देख लिए कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है और बाइक जो है वो इस एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। रिपीट करो, देखो पहला क्वेश्चन एंगल मेड बाय अम्ब्रेला एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन व्हेन अम्ब्रेला मेड 53 डिग्री एंगल विद वर्टिकल फाइंड टाइम एंड स्पीड ऑफ बाइक। थर्ड एंगल मेड बाय अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्थ क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मेड बाय अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके चलिए सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी एंगल की बात होगी ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? क्योंकि वो बताएगा कि अम्ब्रेला किस एंगल पर आएगा, न कि एक्सेलरेशन बताएगा। तो हमेशा वेलोसिटी निकालेंगे किसका? बाइक का, और वेलोसिटी रेन का। अब इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी वेलोसिटी लिखेंगे। तो पहले इसकी वेलोसिटी जरूरत है, क्योंकि अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में देखो हम लोग सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो इस बाइक की जो वेलोसिटी होगी भी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसका यू तो जीरो है, एम प्लस ए कितना है 10 इंटू टाइम क्या है टी, तो भी बराबर यू प्लस ए टी। इसका मतलब 10t वेलोसिटी है किसका? बाइक का। तो बाइक के फ्रेम से अगर हम रेन की वेलोसिटी देखें तो रेन की वेलोसिटी 10 है, और ये वेलोसिटी रिवर्सल मिलेगी 10t ऐसे मिलेगी। रिजल्टेंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। एंगल मेड बाई अम्ब्रेला एट टी कुछ 2 सेकंड लिखना है ना, तो एंगल निकालना बाकी है। वर्टिकल सिंगल चाहिए, एंगल मेड बाई अम्ब्रेला लिखा नहीं है बट वर्टिकल लिख लो। ये लिखा क्वेश्चन दे रहा हो कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, कोई एक तो मेंशन करेगा। मैंने वर्टिकल से पूछा है लेट दिस एंगल इज थीटा, तो इस ट्रायंगल आप क्या लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ क्या है 10t अपॉन ये लेंथ क्या है 10, नाउ दिस वैल्यू इज टी। तो यहाँ से आपने 10 थीटा क्या निकाल लिया, दिस इज टी। क्वेश्चन पूछा है कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे एंगल क्या होगा, तो इस फंक्शन में टी के पे 2 प्लेस कर दीजिए, तो कितना आएगा 10 थीटा इक्वल टू 2, देन व्हाट विल बी थीटा, थीटा इज 10 इनवर्स 2। दिस मीन्स अम्ब्रेला मेड 10 इनवर्स 2 एंगल विद वर्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। थर्ड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अम्ब्रेला मेड 53 डिग्री एंगल विद वर्टिकल फाइंड टाइम एंड स्पीड ऑफ द बाइक। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकेंड क्वेश्चन के लिए
एंगल क्या बनाना है वर्टिकल से 50 डिग्री, तो आप यही तो फॉर्मूला है थीटा पे, ये टेन थीटा डॉट टी आर, तो थीटा पे 53 रखिए, तो 10 53 डिग्री इज इक्वल टू टी, टी इज द टाइम, वट इज द 53 वैल्यू, 4/3, देन टाइम इज 4/3 सेकेंड, दिस मीन्स एट 4/3 सेकेंड अम्ब्रेला विल मेक 53 डिग्री एंगल विद वर्टिकल। कर आप स्पीड ऑफ बाइक, बाइक की भी स्पीड बताइए, एंगल तो आपने इनका टाइम निकाल लिया, और ये जो बाइक की स्पीड है यही तो भी है बी बराबर 10t, नहीं बाइक की स्पीड है 10t, तो टाइम 4/3 है, 4/3 प्लस कर दीजिए, दिस इज 40/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकल से जब 53 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो टाइम 4/3 सेकेंड होगा और बाइक की स्पीड 40/3 मीटर पर सेकेंड होगी। पहला सॉल्व कर लिया, सेकेंड, थर्ड, एंगल मेड बाई अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ और नहीं है, ये तो आंसर है, टेन थीटा टी, टाइम के फंक्शन में थीटा आ गया, व्हाट इज योर थीटा, थीटा इज 10 इनवर्स t, इसका आंसर लिखेंगे थीटा इज 10 इनवर्स t, ये आंसर। फोर्थ करा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मेड बाई अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो थीटा है ना उसका रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, तो आपको कुछ और नहीं करना है, ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो टेन थीटा क्या टी, अब आपको थीटा का रेट ऑफ चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मेड बाई अम्ब्रेला एज फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ और नहीं करना है, इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टेन थीटा का डिफरेंस क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपन डी टी, टेन थीटा का सेक थीटा डी थीटा अपन डी टी, अब फिर टी को टी के रिस्पेक्ट में, टी को टी के रिस्पेक्ट में वन, अब यहाँ से आएगा डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू 1/5, इसको इधर भेजिए, sec स्क्वायर थीटा, इससे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो रेट ऑफ चेंज जो एंगल है वो cos स्क्वायर थीटा है, और यही आंसर है, बट टाइम के टाइम आंसर चाहिए, तो tan थीटा t के बराबर है, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो रेशियो का हेल्प ले लीजिए, यहाँ पे डायग्राम बना, थीटा इस ये t का फैक्टर पे जाएगा रेशियो पे, 1 के रेशियो पे, तो कितना आएगा रूट ओवर टी अपॉन 1 लिखोगे ना, 1 + t² इससे कॉस्ट क्या आएगा, इससे कॉस्ट आएगा बेस अपन हाइपोटेनस, तो 1/√1 + t² का होल स्क्वायर, देन दिस वैल्यू इज 1/√1 + t². इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है डी थीटा अपॉन डी टी, दिस इज नथिंग बट 1/√1 + t² एंड दिस इज आंसर। इस तरीके से हमने आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बताया, क्योंकि क्वेश्चन हमने ऐसा देखा, कहेगा कि इस अम्ब्रेला का वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है या हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसका रेट ऑफ चेंज, अच्छा रेट ऑफ चेंज सेम आएगा, चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, वो देखो कैसे आता है, ऐसे मान लो बारिश है वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है और इधर से एंगल मान लो अल्फा बना रही है, तो ये वर्टिकल का एंगल थीटा डी थीटा अपॉन डी टी निकालना है आपको, देखो कैसे निकालना, देखो थीटा और अल्फा का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, थीटा अल्फा का सम, अल्फा हॉरिजॉन्टल से थीटा वर्टिकल से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये बनेगा डी थीटा अपॉन डी टी, और टी के रिस्पेक्ट में ये डी अल्फा बाई डी टी, और ये कांस्टेंट है तो जीरो, इसके इधर भेज दो, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी अल्फा अपॉन डी टी, कोई पूछे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब अम्ब्रेला का वर्टिकल से रेट ऑफ चेंज एंगल का हो या हॉरिजॉन्टल से रेट ऑफ चेंज एंगल का हो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कभी कहेगा कि अम्ब्रेला का वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है उसका रेट ऑफ चेंज 2 रेडियन पर सेकेंड है, देन फाइंड टाइम, तो इसी में डी थीटा अपॉन डी टी लिखना 2 टाइम आ जाएगा, कोई पूछेगा वेलोसिटी बताइए वैन की, तो 10t थी ना वेलोसिटी 10t, तो टाइम आ गया तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक रेन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से एंगल 37 पे गिर रहा है, एक पर्सन है, मैं चाहता हूँ कि पर्सन किस डायरेक्शन में मोशन करे ताकि उसको ये बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता नजर आए, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स सो दैट रेन अपीयर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब इस पर्सन को रेन वर्टिकली गिरता नजर आए तो ये किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, इधर या इधर, तो देखिए कोई चीज़ वर्टिकली गिर रही है, वर्टिकली गिर रही है ये तभी संभव है जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो, जीरो, कई बार बोल चुका हूँ, कोई चीज़ वर्टिकली गिर रही है ये तभी संभव है जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो, जीरो,
तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर किसी ने कहा कि सर एक काम करते ना, मैं इधर चलूँगा, ऐसे मूव करूँगा, तो क्या हो? तो जब इस फ्रेम से आप इसको देखेंगे तो ये 20 तो आप कैसे रहेगा, तो ये वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर दीजिए, इसमें रिवर्स करके ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो ऐसे आएगा, और ये जो आ रहा है ये तो वर्टिकल तो हुआ नहीं, आपको वर्टिकल आना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर ये पर्सन इधर चलता तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर बनती, ये वर्टिकल हो नहीं रहा। तो कन्फर्म है कि इस पर्सन को किधर चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जब इधर चलेगा तो देखिए क्या होगा, तो ये तो 20 है, ऐसे ही रहेगा, ये वेलोसिटी भी है और इसका 20 ऐसे है, तो इसके फ्रेम से जब इसको देखेंगे तो ये वेलोसिटी रिवर्स होकर ऐसे ऐड होगी, ऐसे। अगर ऐसे हुई तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाए इस तरीके से। तो पहले था ऐसे, तो हो सकता है कि रिजल्टेंट ऐसे हो कि वो इस तरीके से बन जाए, ऐसे बन जाए रिजल्टेंट, और उसके लिए भी थोड़ा सा और कम कर दो, कुछ इस तरीके से हो, ये भी ऐसे हो ऐसे, अब वर्टिकल आता नजर आ रहा है। यानी मैं कहीं ना कहीं श्योर हूँ कि जब तुम इधर जाओगे ना तभी जाके चांस है कि बारिश वर्टिकली गिरेगी, क्योंकि रिजल्टेंट इधर है, जितना तुम इधर भागोगे रिवर्स वेलोसिटी ऐसे होगी ऐड होगी, और जितना ये वेलोसिटी ऐसे ऐड होगी उतना ही ये वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके तरफ मूव करेगा। तो हो सकता है कोई सर्टेन वैल्यू आए जिसपे वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए। ये तो ऑब्जर्वेशन से मैंने समझा है कि इस पर्सन को किधर मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो मैं एनालिसिस की तरफ से बताया है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर मैं एनालिसिस नहीं करता तो भी करना है सॉल्व इसको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स अपने आप को एडजस्ट करती है। तो मान लो इधर मान लिया, सॉल्व करने के लिए मैंने इसकी वेलोसिटी इधर मान ली बी, पता है कैलकुलेट करोगे तो बी के वैल्यू पता है क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आना इस बात को कन्फर्म कर देगा कि डायरेक्शन इधर नहीं होगा, इधर होगा, हो गया हमारा आंसर सॉल्व। तो ये तो मैं एनालिसिस के लिए समझा था कि वो किधर भागेगा तो ऐसा होगा, जब वो इधर भागेगा तो वेक्टर इसके तरफ अपने तरफ मुड़ेगा तो हो सकता है वर्टिकल हो जाए, एनालिसिस थे। बट अगर हमें आंसर निकालना है तो इतना जानने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि इस वेक्टर को इसमें ऐड किया तो ये 20 है, और ये वेक्टर रिवर्स करके आप ऐसे ऐड कर दीजिए, बी ये एंगल 37 डिग्री है, कंपोनेंट करिए इधर, तो ये बी है, 20 का एक कंपोनेंट क्या आएगा, 20 प्लस कॉस 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा 20 साइन 37 डिग्री, एंगल के सामने वाला साइन कहलाएगा और एंगल के पास वाला कॉस कहलाएगा कॉस, तो वैल्यू इतनी आ गई। अब चूंकि इस पर्सन को बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती नजर आएगी, ये तभी संभव है जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो, जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा तभी तो बस ये बचेगा और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती नजर आएगी। इसको क्या करेंगे, वी प्लस 20 कॉस 37 डिग्री को जीरो कर दीजिए, बन गया वी प्लस 20, दिस इज 4/5, नाउ वैल्यू ऑफ वी इज -16 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स इफ पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड वेलोसिटी -16, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन इधर नहीं मूव करेगा, पर्सन इधर मूव करेगा। अगर पर्सन इधर मूव करता है तो उसको लगेगा कि ये बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, इफ स्पीड इज 16 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट? तो आप क्या कहेंगे कि पर्सन को इस डायरेक्शन मूव करना चाहिए, राइट डायरेक्शन विथ स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, देन रेन विल बी अपीयर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, गॉट इट?